वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारे व्यूअर ने हमारे सवाल किया है कि आपने जो बताया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे आप करें, कैसे आप रियल एस्टेट का कारोबार करें, लेकिन उनका सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि अभी जो टैक्सेस इम्पोज हो चुके हैं ऑलरेडी रियल एस्टेट के ऊपर, 17% टैक्स है जो कि नॉन फाइलर हो, और फाइलर के लिए 6% 7% तक टैक्सेज हैं। तो कह रहे हैं इन टैक्सेज के होते हुए क्या आपको वाकई लगता है कि कोई रियल एस्टेट कारोबार करेगा या क्या या कोई कर सकता है? आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, जो ये हुकूमतों का मामला है ना कि पॉलिटिकली जो भी गवर्नमेंट आती है और वो क्या इंडस्ट्री के बारे में वो क्या ख्याल रखती है या वो क्या टैक्सेशन करती है या पॉलिसीज देती है, ये रियल एस्टेट पर बड़ा असर डालते हैं। और हमारे जैसे मुल्क में ज़्यादा इसलिए कि यहाँ पर हर ये पॉलिटिकल इकॉनमी है, हर बंदा अपने हिसाब से, ये PMLN आती है तो ये रियल एस्टेट का भट्टा बटा देती है, यानी ये इनको नहीं सूट करता। इनका इसहाकदार का बेटा खुद बाहर रियल एस्टेट का बिज़नेस करता है, नवाज शरीफ का बेटा खुद जो है वो लेन देन करता है UK के अंदर। तो आप सोचिए कि इनको पाकिस्तान के, अगर इनके बेटे पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिज़नेस करते होते, मैं पक्का ईमान से कहता हूँ, जो मेरा अपनी पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि ये रियल एस्टेट की तरफ बहुत सारे ऐसे इकदाम करते क्योंकि वो इनको फ़ायदा होना था, क्योंकि ये बड़े पैसे के साथ होते थे इनको फ़ायदा होना था, लेकिन इनकी पैसा क्योंकि यहाँ पे आपको पता ना कि ये किस तरह से कमाया जाता है सियासत के अंदर, तो ये यहाँ नहीं रखते पैसा, और ये इसलिए पाकिस्तानी रियल एस्टेट के लिए लीस्ट बॉदर हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि करोड़ों लोगों का डायरेक्टली रोज़गार, लाखों लोगों का डायरेक्टली और करोड़ों का इनडायरेक्टली वाबस्ता है, और 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं और इनके यहाँ बेहसी है। एक शख्स इमरान ख़ान था वज़ीर आज़म के, जिसने हाई राइज बिल्डिंग का रिवाज दिया और उसने बड़ा दलेराना फैसला किया कि भाई वर्टिकल बिल्डिंग की तरफ जाएंगे और फिक्स टैक्स रिजीम किया, और उसको ऐसे बहुत फ़ायदा हुआ। लोग अरबपति हो गए, जो लोग मैं जानता हूँ 4 साल पहले, कोई 5 साल पहले कोई छोटी सी तनख्वाह पे काम करता था, आज वो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान। लेकिन वो इमरान खान को फिर भी पसंद नहीं करते, वो खैर उनकी अपनी हुआ है। हुकूमतें असर डालती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये चाइना ने ग्रो किया तो रियल एस्टेट 35% उनकी GDP के रियल एस्टेट का हिस्सा है। दुबई, सिंगापुर, टर्की, मलेशिया, ये तमाम हाई राइज बिल्डिंग बनी तो टूरिज्म भी वहाँ बढ़ा, और बहुत सारे और सारे उन्होंने जो कवानीन बनाए, जैसे दुबई है टैक्स फ्री उन्होंने बनाया, उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत बूम किया और उस वजह से वो बहुत पैसा कमाते हैं। और ये वो देखो, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस जो है ना वो लाइफ टाइम का होता है, वो कोई 2-4-5 साल का नहीं होता। 2-4-5 साल में इन्होंने गंदे टैक्स लगा भी लेंगे, इस बिज़नेस से लोग पीछे हट जाएंगे या वो होगा, लेकिन कल को जो देखें 4 बिजनेस हैं जो रहने ही हैं, चाहे दुनिया कहीं कहीं हो जाए, तालीम, फूड, शेल्टर, छत, ठीक है ना, और ये 4-5 बिजनेस हैं जो कि तालीम मैंने अर्ज़ कर दिया, सेहत, ये 4 बिजनेस हैं जो रहने ही हैं, दुनिया आधी ख़त्म हो जाए, पूरी रह जाए, कुछ हो जाए, ये 4 बिजनेस रहने हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट लोग नहीं करेंगे, सही है, और फर्ज करें और चीज़ें नहीं करेंगे, उनको छत चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसलिए हम तो पाकिस्तान में यही देखते हैं करोड़ों घर शॉर्ट है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट चाहिए। फिर पाकिस्तान में खरब हार रुपया है, लेकिन वो चैनलाइज नहीं हो रहा इन्वेस्टमेंट के, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और अब अलहमदिल्ला जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा जितना लग रहा है उसके साथ डबल हो रहा है पैसा उनका 1.5 साल के अंदर, सही है। तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि जी ये अभी टैक्स लगा रहे हैं और ये, तो इनकी तो औकात ही नहीं है, इनकी तो ये हैसियत ही नहीं है, अवाम में इनकी कोई लाइकिंग ही नहीं है, इनकी तो ये तो मेजॉरिटी है ही नहीं इनके पास, ये तो एक अकलियत है जो कि ये वो अकलियत है जो पाकिस्तान में इंतहाई काबिल नफरत है। मेरे जैसा बंदा, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की, अल्लाह ने सब कुछ मुझे दिया है, लेकिन मैं क्यों इनके पीछे हूँ या इनके के लिए अपना आप वो कर रहा हूँ? इसकी वजह कि ये घिनौने किरदार जब हटेंगे तो वो गरीब आदमी उठेगा। हमारी औलादों ने ताकतवर हो जाना है, हमारी औलादों ने एम्पावर हो जाना है, हमारी औलादों ने तगड़ा हो जाना है, समझ गए ना? तो इनके जो शिकंजे से ये निकल जाना है मामला, और फिर इनकी जो जायदादें हैं वो लोगों ने लूटनी है वापस, जो इन्होंने हमारी लूटी हुई है, हमारे मुल्क का लूटा हुआ है, तो वो लोगों ने वापस लूटना है। तो ये किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए ना ये नहीं देखा जाता कि भाई टैक्स उसमें कितना लगा हुआ है,
ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है, लॉन्ग टर्म अप्रोच ये है कि आप ये देखें कि क्या आप उस बिजनेस के साथ इंसाफ कर सकते हैं।